2 दिन पहले सुल्तानपुर के घाट खमरिया में गरीबी से जूझ रहे जिनकी उम्र 16-17 साल के आसपास थी, वह अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बारात में गमले पकड़े हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह समय काल बनकर आएगा। अपने हाथों में शादी की बारात के गमले पकड़े हुए लोगों को एक ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बारात में घुस गया, जिसमें स्पॉट पर ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी एवं एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु की बाद में हुई थी, जिसमें इस भीषण हादसे में कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद रमाकांत भार्गव एवं विधायक सुरेंद्र पडवा मृतकों के परिजनों को संवेदना देने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिवार से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। वहीं मृतकों के परिवार ने बताया कि हमारे पास रहने को झुग्गी झोपड़ी है, हम पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे मकान के पट्टे भी नहीं है अभी तक और ना ही हमें आवास का फायदा मिल पाया है, हम मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ तीनों परिवारों से हमने भेंट की है, अपनी संवेदना व्यक्त करने भी हम आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी तकलीफ कम हो, इनका दुख दर्द पी पाए और परिवार की जिंदगी सामान्य चले, इसके लिए 4-4 लाख रुपए की राशि राज्य शासन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हर परिवार को मिलेगी। उस राशि के अतिरिक्त एक जो समस्या पता चली, यहाँ कई लोगों के पास पट्टे नहीं है, कई वर्षों से मुझे बताया कि ये लोग रह रहे हैं, रहने लायक जमीन तो चाहिए और वो वैधानिक चाहिए। अभी हमने ये निर्देशित किया है कि धारणा अधिकार के अंतर्गत इनको पट्टे बनाए जाए, पट्टे बनाने के बाद रहने के लिए मकान बन जाए, उसकी व्यवस्था करेंगे। शासन की अन्य योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता, अब तीनों परिवार थोड़े सामान्य हो जाए तो कौन सा काम धंधा करेंगे पूछेंगे, ताकि जो राशि आ रही है उसका सदुपयोग हो सके और अन्य योजनाओं का लाभ भी इनको दिया जा सके, इनके परिवार सामान्य रूप से अब चल पाए, इसकी भरसक कोशिश करेंगे।